Hello children, welcome to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with a new video that is in continuation with series LCR circuit. Here we will be dealing with resonance of the series LCR circuit. When will you say that LCR circuit is resonant? In this, we need to discuss that what is the resonance, what happens after the resonance, and what happens to the frequency, okay, which is called resonant frequency. Okay, so here you see the series LCR circuit is said to be in resonance when the current through it is maximum. Jab current maximum hoga LCR circuit mein, tab hum bolte hain ki LCR circuit is in resonance, right? Ab current maximum kab hoga? देखिए हमारे पास करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली है, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. E नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर. E नॉट अपॉन दिस वी से इंपीडेंस जेड, इजंट इट? दिस जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट. अब ये जो आई नॉट है ये जीरो कब हो जाएगा? या तो ओमेगा को जीरो कर दीजिए या ओमेगा को इन्फिनिटी कर दीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आई नॉट विल बी जीरो. तो वैल्यू ऑफ आई नॉट इज मैक्सिमम. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी को जीरो कर दें. सो वी विल गेट ई नॉट अपॉन आर ओनली, सो विच इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी. तो जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी. इसको हमने जीरो कर दिया है, so this will give under root r square which is nothing but r. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? करेंट विल बी मैक्सिमम, ओके, एंड रेजिस्टेंस यू कैन सी वी आर गेटिंग ओनली r, दैट मीन्स हियर द सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और करेंट और रेजिस्टेंस विल बी इन द सेम फेज. ये जो सिचुएशन है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट. होप इट इज क्लियर. क्या कंडीशन है? कि करंट शुड बी मैक्सिमम. फॉर करंट मैक्सिमम दिस शुड बी मिनिमम. और ये मिनिमम कब होगा? जब एटलीस्ट इस वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा. और इसको हमने जीरो किया तो वी आर गेटिंग ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी. और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है जहां पर LCR सर्किट रेजोनेंट होता है. सो द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट अटेन्स द पीक वैल्यू इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. उसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा आर इज इक्वल टू टू पाई एफ. सो एफ आर वी विल बी राइटिंग दिस वैल्यू. हाउ मच? टू पाई. ओमेगा की वैल्यू कितनी? वन अपॉन अंडर रूट एल सी इन टू एफ आर. सो यू विल हैव एफ आर इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टू पाई वन अपॉन अंडर रूट एल सी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. और करंट कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर. दिस विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट. होप इट इज क्लियर टू यू. व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम और द ग्राफ between I naught and omega, you will find for two values it is made as it is in the NCERT book. Please remember the values. For R is equal to this value, L is this, C is this, you will get this value and this is called the peak, isn't it? These are the peaks of the current or the maximum value of I naught at different values. Okay, so this we need in the next video. Okay, for which you need to watch that video. Thank you for watching this video till the end. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.